रात चरखा, इस रात का मूल स्वर है सत्याग्रह, संगत दी है सत्य, अहिंसा और प्रेम के कोमल स्वरों ने। इस रात की पहली तान गांधी जी ने छेड़ी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सत्ता थी, कुछ भारतीयों को फुसलाकर मजदूरी के लिए अफ्रीका लाया गया। गोरे चाहते थे कि भारतीय लोग हमेशा मजदूर और गुलाम ही बने रहें। इसीलिए भारतीय विरोधी कानून का एक नया एशियाटिक विभाग खोला गया। गोरों की इस चुनौती को तोड़ने का गांधी जी ने निश्चय किया और सविनय अवज्ञा संगठन की स्थापना की। सत्ता शक्ति का यंत्र चलता रहा, पर गांधी जी के नेतृत्व में असहाय भारतीयों ने संगठित होकर सशक्त विशाल हाथी का रूप ले लिया। श्वेत सरकार ने पूरी ताकत लगाकर इस संगठित शक्ति को तोड़ने की कोशिश की, पर श्वेत सरकार के ही टूट जाने का खतरा पैदा हो गया। 16 अगस्त 1908 को गांधी जी ने अपने राजनैतिक जीवन की पहली होली जलाई और काले कानून के तहत जारी किए गए 2000 रजिस्ट्री पत्रों को आग लगा दी। इस सार्वजनिक अवज्ञा से गांधी जी को प्रचंड जन समर्थन हासिल हुआ। श्वेत सरकार अब हिंसा पर उतर आई, सशस्त्र घुड़सवार निहत्थे सत्याग्रहियों पर टूट पड़े, लेकिन इन सब अत्याचारों के बावजूद सत्याग्रही अधिक बने रहे। सत्याग्रह का जादू रंग लाया। श्वेत सरकार गांधी जी के दृढ़ संकल्प से घबराई और उसे झुकना पड़ा। रजिस्टर ना हुए भारतीयों को राज्य से बाहर निकालने का सरकारी अधिकार रद्द कर दिया गया। गांधी जी को पहली विजय मिली। 1915 में गांधी जी स्वदेश लौटे। देश की जनता के लिए सर्वप्रथम उन्होंने सत्य और अहिंसा की तान छेड़ी। सत्य की लड़ाई के लिए गांधी जी ने अपने सामने कुछ आदर्श रखे, जैसे सत्य, प्रेम, शुद्धता, इच्छा पर नियंत्रण, जरूरत की चीजों को ही चाहना, अपने पसीने से अपनी रोटी कमाना, पड़ोसी की सहायता करना, सभी मानव समान हैं, सर्वधर्म समभाव और निडरता। ये सारी बातें अंग्रेज राजनीतिज्ञों और व्यापारियों को अव्यवहारिक और बेतुकी लगी। उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। शक्तिशाली और रौद्र ब्रिटिश साम्राज्य के घेरे में शांति से चरखा चलाकर गांधी जी ने रचनात्मक असहयोग आंदोलन की नींव रखी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन सारे देश में फैल गया और विदेशी व्यापारियों में हाहाकार मच गया। उन्हें लगा जैसे आंदोलन छेड़कर गांधी जी ने पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर काबू पा लिया हो। अंग्रेजों को लगा कि भारत में उनके साम्राज्य का सामना करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा का भूत पसरने लगा है। गांधी जी के चरखा राग का नया स्वर मुखरित हुआ, जिसका नाम था नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ दिया। इससे जहां विशाल जनसमूह हर्षित हुआ, वहीं अंग्रेज सरकार इस दुबले पतले बूढ़े की हिम्मत से स्तंभित रह गई। नमक कर के विरोध से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और ब्रिटिश हुकूमत का बर्बर शेर भी इससे तिल मिला उठा। एक तरफ गांधी जी बड़ी तन्मयता से आजाद भारत का नक्शा बुन रहे थे,
उनके साथ थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी तरफ लॉर्ड विलिंगटन ब्रिटिश सत्ता का जाल मजबूत करने के लिए निर्दोषों की बलि चढ़ा रहा था। लॉर्ड विलिंगटन ने गांधी जी को जेल में डाल दिया, लेकिन इससे आंदोलन समाप्त नहीं हुआ बल्कि कई गुना और बढ़ गया। एक गांधी की छवि लाखों हिंदुस्तानियों में उतर आई। गांधी जी के चरखा राज के स्वर तीव्र होते जा रहे थे, जो अंग्रेज सत्ता पर हावी हो रहे थे। भारतीयों के स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति के अधिकार के बारे में ब्रिटिश सरकार अडिग थी, लेकिन गांधी जी की दृढ़ता ने लिंगित को चर्चिल और एमरी के मुंह पर पट्टी बांध दी और ब्रिटिश साम्राज्य में भूचाल ला दिया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने गांधी जी से युद्ध में सहायता की मांग की। गांधी जी ने भारत की आजादी के बिना युद्ध में सहायता करने से इनकार कर दिया। एक लंगोटीधारी दुबला पतला इंसान शांतिपूर्ण अहिंसात्मक लड़ाई लड़ रहा था, वो भी ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के खिलाफ। दोनों में से एक की जीत निश्चित थी, लेकिन किसकी? अंततः अंग्रेजों को सत्ता छोड़नी पड़ी और गांधी जी को मिला भारतीय उपमहाद्वीप की जिम्मेदारी का विशाल बोझ। आजादी के साथ ही पूरा उपमहाद्वीप सांप्रदायिकता की चपेट में आ गया। गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। सत्य और अहिंसा के देवदूत युग पुरुष महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को अपने इन्हीं सिद्धांतों के लिए शहीद हो गए। आजादी वतन की ले आए, आजाद दिलों को करना है, कागज पर कोरा नक्शा है, रंगों को अभी तो भरना है।